अरे कौन कौन वृंदावन जाएगी भाइयों, कोई सी जाएगी नहीं जाएगी, कौन जाएगी? अरुण पवार इंडरी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। भंगूरी वाले और मचगर वाले इंडरी आ गए हैं। क्यों आए हो रे तुम, किसने बुलाए? रक्षाबंधन क्या होता है मोटू बताएगा। मोटू जल्दी इधर आ जा, कम ऑन। क्या होता है रक्षाबंधन? अब तुम दोनों, तुम चारों की तो कोई बहन ही नहीं है, तुम किस पे राखी बंधवाओगे? मौसी पे राखी बंधवाओगे भाई। ये दिनेश हर की, दिनेश पवार एक्स की बहन है दो, उनके उनपे दोनों पे दो दो लड़के, एक के ये और मोटू पतलू और एक के ये दो। अब तुम किसी की भी बहन नहीं है। कौन सी राखी लाई है? दुद्धा। दुद्धा क्या होता है? तो भाई इनको आए तो घनी देर होगी, ये पकाते हुए इनको, तो ये कह रहे मामा फार्म पे लेके चलो मुझे, जरा वो दिखा के लाओ, मतलब रो खेलेंगे GTA 5। तो जरा बच्चों को GTA 5 करा देता हूँ। एमेंट डुल्डुल पकड़ियो इसको, मैं भी एक बार पासवर्ड भर देता हूँ इसमें। एमेंट उधर दिखा, किसी को पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, इसको दिखा दे इतनी देर। तो भाई रक्षाबंधन इस बार दो है, कोई 30 मना रहा है, कोई 31 को मना रहा है, बट भाई अब क्या है, बढ़िया है, जो भी जब भी है। एक तो ये बच्चे हमारे शेरा से बहुत डरते हैं, सबसे पहले तो ये। आ जाओ बाबू, आप मेरे पास आ जाओ। अपना पहले नाम बताओ सबको, आगे आ जाओ कैमरामैन। क्या नाम है भाई? इसके टीथ बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, ये ई करे, इसका कोई एक साल से इनमें कीड़ा नहीं, मतलब क्या लग रखा है, काला काला सा पता नहीं। शेरा से इतना ज्यादा क्यों डरता है ये बता, बोल तेज। तो तू भी तो बड़ा हो गया, इसको इसलिए, अगर इसको खा गया था ना इसलिए इसको डर हो गया। ये बता कि मुझे खा गया था वो, तो पागल हो जाऊंगा भाई। देख रहे हो बच्चों की है भाई। आज का मैं आपको इंसिडेंस बताऊं, इंस्टा पे तो असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा हैं, मतलब अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ ज्यादा बोलते हैं उटपटांग सा, चाहे आदमी को नोच नोच के खा जाए कुत्ता, पर डॉग को अगर आपने कुछ भी कह दिया तो फिर उन लोगों को मतलब बर्दाश्त सा नहीं होता, पता नहीं क्या है। अभी इसको खा रखा है और बच्चे हैं जैसे हमारे छोटे छोटे से बाहर बंध रहा है भाई, ऐसे इनको भौंस, इन पे भौंकता है कि बस पूछो मत ना। अब इनको खा गया तो बच्चा देखो कितना वो है, पागल हो जाएगा। देखो सच में बताओ, देखो और बताओ, अगर जैसे तो डर लो, यहाँ देखो इसकी टांग, देखो अपने हैंड दिखा भाई, डेढ़ हड्डी है ये पूरे ऐसे करके, ये डेढ़ हड्डी है इसके। अगर पैर को भर लिया पिटबुल ने भाई, अलग करके ही मानेगा हड्डी को। हाँ इसको मोटे को खा रखा था इसके टांग से, अब तो खैर ये पतला हो गया, सूख गया क्योंकि बड़ बड़। कहाँ पे खाया था बता, तो कितने इंजेक्शन लगे थे तुझे? 5 इंजेक्शन लगे थे। कहाँ पे? यहीं पे लगे थे। और कहाँ लगे थे इंजेक्शन? डुल्लू तू बता, इसको नहीं पता। पीछे लगे थे। अरे फिर तू रोता था इंजेक्शन लगते थे जब? सही में रोता नहीं था ये, क्यों? ओ तेरी भाई, इसने अपने हाथ से बड़ी तो देखना, यहाँ पे वो पहन रखी है। आओ तुम्हारी ना आज कैमरे पे वो करवा के लाता हूँ दोस्ती। आओ सारे देखो उस कुत्ते से, आ जाओ। शेरा अच्छा है, अगर प्यार से रखो ना उसको, शेरा नाम बोल दो तो फिर वो किसी को कुछ नहीं कहता। आ जाओ वैसे ही आ जाओ, आज तुम्हारी कैमरे पे ना प्रूफ बनवा दूंगा कि हाँ भाई शेरा किसी से भी कुछ नहीं कहता। एक बार लाइट जला दूं मैं, आज तो इसने बेल तोड़ दी थी भाई मुझे खाने के लिए। लोग मानेंगे नहीं वो अलग बात है। अब देखो ये बंदरा शेरा, ये बंदरा शेरा, और देखना बच्चों को देख के। चलो तुम उतरो, अब किसी को कुछ नहीं कहेगा, इतनी पास मत जा डुल्लुल। देखो देखो देखो, जोश 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 देख रहे हो भाई, जोर देख रहे हो चारों बच्चों का, भला कुछ कह जाए तो अभी तुमसे। अब कैमरा ऑन है, अब हम बच्चों को खवा दें पो करवा दें भाई, बताओ आप लोग बताओ हैं। शेरा है कुणाल, अब बता, अब कुणाल अब बता, तुझे डर लग रहा है अब इससे? अब नहीं लग रहा ना? अब बेल तोड़ रहा है, अब नहीं
अब कैसा पागल है ये, तेरे को पहले कहाँ पे खाया था ये बता, कितना सा था पहले ये बताइयो, कितना सा था ये पहले? इससे भी कम था। फिर तुझे तेरे को लटक गया था, फिर छूट नहीं रहा था ना किसी से भी, और तू रो रहा था भाई, ये नीला पड़ गया पूरा, ये नीला रो ही रहा था ये तो तब भाई इतना डरता है ना अब तो ये इस कुत्ते से बहुत ज्यादा। अब शेरा ये भी अब देखना, ये ना प्यार के भूखे होते हैं। अब तुम लोग यहीं खड़े रहना, अब देखना ये मैं इसके पास जाऊंगा ना तो कुछ भी नहीं कहेगा, ये इसको तो कैसे ही तोड़ेगा। शेरा देख के डर गया मुझे, क्यों मैंने थोड़ा सा ये सुधार दिया था, देखो सुधर गया ना, सुधर गया, कुछ कह रहा है बताओ, नहीं कह रहा ना, तो ऐसे प्यार करोगे ना कुत्ते को तो किसी से कुछ नहीं कहता। अरे कीड़ा मकोड़ा इनको खा जाता ये क्या, अगर तू इसे शेरा कहेगा तो ये नहीं खाएगा, समझ गए समझ गए, अब तो नहीं डरोगे नहीं। ओके चलो अब अंदर तुम जीते फाइव खेलो, आ जाओ चलो। बच्चे देखो कितने मन के सच्चे भाई, खामा खा कुत्ते से डरते हैं, मैं कुनाल को खा रहा हूँ, कुनाल को बहुत खौफ है, बहुत ज्यादा। GTA 5 कौन कौन खेलेगा, हाई एंड ऊपर करो, लो भाई खेल लो। अब कल भाई रक्षाबंधन मनाने के लिए गाइस आ चुके हैं हमारे पास। हेलो हेलो, क्या नाम है तेरा, तेरा क्या नाम है रे, तेरा ओ ये कौन है, तुमको कैसे पता है फ्रैंकलिन है, फोन में भी चलता है तुम्हारा GTA 5 भाई, इसको सारा पता है कैसे चलता है गेम कैसे नहीं चलता। रात हो रही है, मारू इसको, हिंसा करोगे हैं, आगे दारू की दुकान है तुम, ओ अच्छा हमें मार रहा उल्टा, ले मैं डुक मारता हूँ, ले कहाँ पे लग गया, तुमको ये ज्ञान कौन देता है, किसने सिखाई तुमको ये सब चीजें, अच्छी कितने गंदे हो तुम लोग, इसको मारो, जो हमको मारेगा हम उसको मारेंगे, जो हमसे कुछ नहीं कहते हम नहीं कहते। चलो भाई अब इनको गेम खेलने देता हूँ, घर पे चलता हूँ, कुछ सौदा रखा है यार गाड़ी का, बहुत दिन से उनको अनबॉक्स करता हूँ यार उन एक्सेसरीज को। हेलो भाई अरुण पवार इंड्री, भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है, रक्षाबंधन आने वाला है, कोई 30 को मनाएगा कोई 31 को मनाएगा, कमेंट करके बताएं कौन क्या मनाएगा। तो हमारे घर में भाई काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पे साफ सफाई सी कर रहे हैं, तो अच्छी साफ सफाई चल रही है, उसी दौरान मेरे कमरे में से निकल के आता है काफ़ी सारा लगेज कि क्या कबाड़ा भर रखा है इतने सालों से, इनको थोड़ा भाई इधर उधर निपटा दे, तो मैंने कहा चलो आज यही काम कर देते हैं, लिटिल लिटिल सा जो आज तक खोले ही नहीं है, कोई एक दो साल हो गए भाई इनको आज तक नहीं खोले मैंने, इसको उड़ा के दो दो एयर प्योरीफायर पड़े हैं मेरे पास, तो ये तो घेवर है भाइयों, जिसको खाना है खा लो, सिस्टर वगैरह आई थी पल्ले करवाली तो ले आई भाई, बना इन्वेस्टमेंट होते हैं इनकी, अभी विदा इससे डबल लेके जाएंगी, 500 रुपये का घेवर तो 1500 से 2000 रुपये ऐसे, मतलब जो भी वटेवर मोम देती हैं वो देंगी। ये मेरा पिक्सर आज तक बहुत बढ़िया चल रहा है, जो भाई कहते थे कि भाई वो EMI नहीं भरेगा, ये नहीं भरेगा, वो नहीं भरेगा, भाई वो सब सौदा भर रहा है, मेरा फ़ोन अभी तक लॉक नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा प्यारा चल रहा है, और नेट अभी तक बंद है शायद, चेक नहीं किया मैंने अभी, हमारा तो वाईफाई लग रहा है, टेंशन नहीं रहती, तो LTE देखूँ चल रहा है होगा तो बढ़िया, क्योंकि कलश यात्रा होली, चलो थैंक गॉड भाई चल गया फाइनली, थैंक गॉड चल चुका है। तो अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ भाई क्या क्या पड़ा है मेरे पास, तो ये कारकेट, ये वो है चूहे वूहे भगाने वाला, ये सौदा सील पैक, ये पड़ा है GPS ट्रैकर, ये मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, ये खोल के बस देख लिया, मतलब बेस कंपनी सी भेजती रहती हैं, कुछ सामान तो यूज़ में आ जाता है वो उल्टा ले लेते हैं, कुछ वो लेते ही नहीं। एक ये पड़ा है, इसमें वो है कुछ, कहीं नंबर दिख जाए तो आप भाई कॉल वॉल कर मत करना, इसमें भी कुछ है आज तक ये खोला ही नहीं, मतलब कुछ है गाड़ी से रिलेटेड ही सामान, ये मिशलिन के मिस्ट्री बॉक्स फालतू की चीज़ें, ये है मेन, तो भाई दो दो मेरे पे ये एयर प्योरीफायर से पड़े हैं, आज इनको चलो मैं खोल ही देता हूँ क्या है, देख रहे हो आज तक मैंने इनका ये तक नहीं खोला, ये रिबन सा जो आता है कि भाई ये लो, तो स्कोडा की कोई इवेंट विवेंट में गए थे शायद से, वहाँ से ये कोई गिफ्ट मिला था एयर प्योरीफायर, तो दो है मेरे पास, दोनों को लगा देता हूँ एक एक गाड़ी में, देखो भाई बिल्कुल पैक पड़े हैं बिल्कुल ही, अरे कहाँ है कबाड़ सा, स्कोडा इतनी हल्की क्वालिटी इतनी बता दे, देखो मेड इन चाइना, चाइना की चीज़ों को हमको गिफ्ट देते हो हैं, हद है,
इसको मैं पोऊं, एक मिनट है भाई, एक मिनट है, वो कर दूँ सेट। इसके मैटर है सेट हो गया। अभी मेरे ख्याल से क्या है कि अंदर एक एक ये यूएसबी केबल और है, गरम करने को नहीं है मोम, इट इज़ एयर प्योरीफायर, हवा शुद्ध करने का। हमारा गांव इतना वो हो गया, आप कहाँ जा रहे हो टिफिन ले कर भाई? हमारा गांव में प्रदूषण इतना फैल रहा है, तो गाड़ी में धरने के हैं ये, अपने बढ़िया सिस्टम है कमरे। हाँ अरे हाँ भाई, मैं मतलब मुझे पता है मैं थोड़ा प्रैक्टिकल किस्म का आदमी हूँ, तो मैं इसीलिए नहीं खोला कि अरे कहाँ गार्डन में एयर प्योरीफायर यार, मतलब मजाक की बात हो एक रहे। तो मोम ने बहुत अच्छा मेरे को ये आइडिया दिया है यार, वाई नॉट मैं अपने इस कमरे में इसको लगा लूँ यार, अपना एयर प्योरीफाई होती रहेगी, थोड़ा बहुत कोई बीमारी होने से बच जाऊँगा तो और बढ़िया है। तो ये लगवा रखे मैंने यूएसबी वाले अडेप्टर, अडेप्टर का कोई सिस्टम ही नहीं, केबल तो अच्छी लंबी है, तो इसमें लगा ही देता हूँ इसको। एक मिनट ऑन करके देखूँ, बहुत मंदे टाइम को सोचा हमें यू है, तो इनको कर ही देते हैं भाई, क्या पता करता ही हो ओरिजिनली कुछ। अब चलेगा क्या? ओह तू वाह वाह, कर एयर प्योरीफाई, अब कैसे करेगा, कर कर, अब क्यों नहीं कर रहा? अरे कर ना, अब क्यों नहीं कर रहा, कर। वाह कितनी एकदम भाई शुद्ध हवा आ रही है, आपको आइडिया नहीं है इतनी शुद्ध हवा आ रही है एकदम। मम्मी इस कमरे में आके देखो, एकदम शुद्ध हवा आएगी पूरी। ये क्या कबाड़ खाना, चलो इनको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और कुछ भी है डिब्बा इतना बड़ो, ओके चलो वेरी नाइस। चलो इसमें भी है एक और सेम टू सेम, भाइयों किसी भाई और को चाहिए हो बता देना। ये कंपनियां ना फालतू बहुत सामान ऐसे वेस्ट करते रहते हैं। देखो मैं आपको एक बार स्पीकर भी स्पीकर दिखाऊं कितने हैं, आकाश के सेंट देखो कितने कहाँ हैं वे स्पीकर से। अरे यार दराज तो खोल ले, कौन मैंने देखे कहीं एक जगह पड़े और ये रे देखो, लुक एट इट, कोई नहीं बजाता इनको, नो बड़ी वियर। और इन्वॉल्व के परफ्यूम देखो कितनी सारी पड़ी है भाइयों, और फार्म पे पुथप का पुथ लगा हुआ है, किसी भाई को चाहिए हो तो मेरे से आके गिफ्ट लेके जा सकते हो। ओके जी हट जाओ मोम, परेशान ना करो, इसको लगाता हूँ, एक को किया में लगा देता हूँ। एंडेवर में क्या है ना, वो पोर्ट है नहीं यार एक्स्ट्रा, तो उसमें सही रहेगा। पर यार इतनी वायरिंग का कुछ मम्मी कोई सेंस है नहीं यार, कमरे में लगा दूँ गाड़ी इनमें कहा करूँगा इन एयर प्योरीफायर को, आकाश के में ना लगे यूएसबी स्लॉट यार, ना लगवाओ अपने कमरे में, कुछ घनों समझदार बने हैं ना ये, आकाश पवार जॉब पे गए हुए हैं। चलो ऐसे ही रख देता हूँ यार, हम भी खामा बहुत दिन है गए भाई ना, को साल भरते ज़्यादा है गो, ये हमने आज तक यूज़ में ही ना लिए। और टीवी के पीछे लगा दूँ इसके यूएसबी में, जब टीवी चलाया करेगा ये जल जाया करेगा, एयर प्योरीफाई हो जाया करेगी तो काफ़ी कूल लगेगा। और हाँ वो और ऑर्डर कर देता हूँ, जो टीवी के पीछे लाइट लगती है ना वो बड़ी कूल लगती है, तो अपने और आकाश दोनों के लिए कर देता हूँ, उसमें फिर क्या फ़ायदा रहेगा ना हमको। ये देखो लग जा ये, वाओ ये शादी करवाने में फ़ायदा तो होता है, गिफ्ट कितने सारे मिलते हैं देखो शादी करवाने के, ये सारे इसके रूम में जितने आइटम सब इसको गिफ्ट विफ्ट मिल रखे हैं, ये देखो सब गिफ्ट विफ्ट मिलते हैं शादी ब्याहों में, ऐसे करवानी पड़ेगी लगता है जल्दी। इसमें पीछे लगा लेगा ये अपने आप आके।